हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हैंड पंप के साथ डोमेस्टिक मोटर को किस तरीके से सेटिंग किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हैंड पंप के साथ मोटर फिटिंग करने के लिए किन किन सामानों का ज़रूरत है वो हम दिखाने वाले हैं आपको। देखिए, ये हो गया टेबलॉन, जो थ्रेड है उस थ्रेड में हम लगाने के लिए टेबलॉन का इस्तेमाल करते हैं। और ये है एल्बो, जो 1 इंची का एल्बो है, जहाँ पर एल होगा पाइप वहीं पर एल्बो लगेगा। यह है MTA, जो कि जो हैंडपम्प के साथ टी होगा उस पर लगेगा। और ये हो गया गेट बल्ब, जो मोटर को अगर किसी भी वक्त ख़राब हो जाए तो मोटर को अलग करते समय गेट बल्ब को ऑफ करके आप मोटर को खोल कर ले जा सकते हैं। और ये हो गया हैंडपम्प का पाइप, जिस पे देख रहे हैं आप टी सॉकेट, ये टी सॉकेट लगेगा। उसके बाद 1 4 इंच का निपल, जो कि जो ट्यूबवेल हैंडपम्प का हाइट बढ़ाने के लिए हम निपल का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब सामानों का आपको ज़रूरत है। तो चलिए देखिए किस तरीके से हम थ्रेड पे टेबलॉन को लगाते हैं। ये टेबलॉन को थ्रेड के साथ अच्छी तरीके से पेच में लगा दीजिए। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है, टेबलॉन लगाया। अब ये हो गया जॉइंट सॉकेट, ट्यूबवेल का हाइट बढ़ाने के लिए हम जॉइंट सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। जॉइंट सॉकेट थोड़ा हाथ से घुमा दीजिए। अब हम पाइप रेंच के सहारे हम उन जॉइंट सॉकेट को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। मैक्सिमम जितना टाइट होता है उतना ही कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर उससे ज़्यादा करेंगे आपका थ्रेड कट भी सकता है, थ्रेड कटने पर आपका जो जॉइंट सॉकेट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो आपको एक मैक्सिमम टाइट करना है। पाइप रेंच के सहारे हमने सॉकेट को बिल्कुल टाइट कर दिया है। अब ये हो गया 6 इंच का जो निपल है, 6 इंच का निपल हम इसके ऊपर पहले टी लगा देते हैं, उसके बाद हम निपल लगाएंगे। ये टेबलॉन को अच्छे तरीके से इसमें लगा दिए। टेबलॉन लगा लिए, कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये सॉकेट के ऊपर, ये 4 इंच का निपल है, 4 इंच का निपल हम सॉकेट के साथ जोड़ देते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम हाथ से जितना हो सके टाइट कीजिए, उसके बाद पाइप रेंच के सहारे हैं अच्छे पूरा अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिए। ये पाइप रेंच के सहारे हमने टाइट कर दिया है। अब हम थ्रेड को अच्छे तरीके से एक कॉटन कपड़े से पोंछ कर हम इस पर थ्रेड लगाएंगे। थ्रेड में हम टेबलॉन लगाने वाले हैं। टेबलॉन टेबलॉन को पूरे पेच में अच्छे तरीके से लगा दीजिए। टेबलॉन लगाने का फ़ायदा यह है कि आप इससे लीकेज होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाता है। इसके जो थ्रेड में गैप होता है वो गैप को पूरे तरीके से भर देता है, जिसके कारण लीकेज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब हम ये टी सॉकेट है, इसके ज़रिए हम मोटर का जो कनेक्शन है उससे निकालेंगे। ये टी सॉकेट को हम इस
निपल के ऊपर लगाएंगे। ये हम पाइप रिंच के सहारे से उसे टी को, जिस और आपका मोटर रहेगा उस सर टी सॉकेट का जो 1 इंची का पार्ट निकलेगा उस साइड से सीधा करके हम सॉकेट को अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। ये हो गया टी मेरा बिल्कुल थोड़ा टेढ़ा है, हम इसे सीधा कर देते हैं। बस सीधा हो गया हमारा टी पूरा स्ट्रेट सीधा, हमें मोटर का लाइन निकालना है इसीलिए हम टी को थोड़ा टेढ़ा था उसे हम सीधा कर चुके। अब टी से हम जो मोटर का लाइन निकालेंगे वो हम एक एमटी के साथ निकालेंगे। ये एमटी का जो थ्रेड है इसमें भी आप टेबलॉन को लगा दीजिए। टेबलॉन लगाने के बाद ये टी जो है उस टी में हम एमटी को लगाएंगे। इसे हाथ से जितना हो सके टाइट करें, उसके बाद पाइप रिंच के सहारे से मैक्सिमम जितना टाइट हो वो टाइट कर दीजिए। अब हम इंची टेप का सहारे जो मोटर का लाइन एल निकालेंगे वो कितना पाइप लगेगा हम इसे पहले नाप लेते हैं। लगभग 1 फीट के बराबर पाइप पे ज़रूरत है, हम इसे 1 फीट नाप के काट लेते हैं पाइप को। 1 फीट हो गया, हाँ 1 फीट यहाँ से काट लेंगे। ये हिस्को का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास अगर पाइप कटर हो पाइप कटर का इस्तेमाल करेंगे जिससे पाइप का जो कटिंग और फिनिशिंग अच्छा होगा। हमारे पास कटर नहीं है इसीलिए हम हिस्को के सारे काट दिए। और काटने के बाद पाइप का जो साइड है ये कॉटन कपड़ा से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए, ताकि इसमें जब ग्लू लगाएंगे तो अच्छे तरीके से ग्लू चारों ओर लग जाए, जिसके कारण उसका सरफेस जो एरिया है वो पूरा बिल्कुल साफ रहे। ये देख सकते हैं UPVC सॉल्वेंट, हम UPVC पाइप में UPVC सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। UPVC सॉल्वेंट का छोटा पैकेट है, इसे हम चारों साइड में अच्छे तरीके से लगा देंगे। ये ग्लू लगाना हो गया, UPVC सॉल्वेंट लगा लिए हैं। अब हम जो MTA है उस MTA में इस पाइप को सेट कर देंगे। अभी इस MTA में हम पाइप को अच्छे तरीके से जितना हो सके जितना मैक्सिमम जाता है उसे उतना अंदर दे देंगे ताकि लीकेज होने की संभावना रहे। बस हम मोटर लाइन के लिए जो पाइप है उसे हम निकाल चुके हैं। अब आगे हम इस पाइप का आगे जो यहाँ पे इस मोड़ में यहाँ पे हम एक एल लगाएंगे, एल के जरिए मोटर को मोटर लाइन को थोड़ा मोटर थोड़ा दाएं साइड में लगेगा सामने, हम एल के जरिए एल करेंगे। देखिए किस तरीके से एल लगाते हैं। हमारा एल्बो जो है आप जिस साइड में मोटर लगाएंगे एल्बो उसी साइड में आपको उस साइड में सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेच एल्बो लगाना है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तब हाँ ये सीधा हो गया, देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है। बस एल्बो हम लगा दिए हैं। अब इस एल्बो से हम और एक पाइप ज्वाइंट करेंगे, सीधा मेरा मोटर जाएगा, बीच में एक गेट बल्ब लगाएंगे। हम पाइप को नाप लेते हैं, इसमें हम ये सॉल्वेंट लगा लेंगे। सॉल्वेंट लगाने के बाद इस एल्बो में हम जिस तरीके से पहले वाले पाइप को लगाए बस वैसे ही आपको एल्बो में ये पाइप को भी लगा देना है।
अब हम बीच में जो एल्बो लगाने के बाद पाइप का बीच में एक गेट बल्ब लगा दिए हैं, जिस तरीके से एल्बो लगाए उसी तरह एक गेट बल्ब बीच में लगा दिए हैं, और गेट बल्ब से हम मोटर को कनेक्शन कर दिए हैं। देख सकते हैं ये इसका जो मोटर का लाइन पूरा पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो ट्यूबवेल है, हैंडपम्प जो है, उस हैंडपम्प का जो पिछले वाला हिस्सा है उसमें पेच को अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद एक कॉटन कपड़ा से पोंछ कर इस तरीके से आप इसका जो थ्रेड है, इस थ्रेड को अच्छे तरीके से साफ कर दीजिए। सफा करके अब हम इस निपल जो है ट्यूबवेल को, मैंने हैंडपम्प को हाइट बढ़ाने के लिए हम निपल लगाए हैं, उस निपल में थ्रेड में टैबलॉन लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर हम हैंडपम्प को लगाने वाले हैं। हैंडपम्प को बिल्कुल सीधा पकड़िए ताकि उसका जो थ्रेड है वो बिल्कुल सही तरह से जाए। सीधे बिल्कुल सीधा पकड़िए और हैंडपम्प को घुमाते जाइए और आपका थ्रेड बिल्कुल टाइट होता जाएगा। इस घुमाते बस इस तरीके से आप पूरा हैंडपम्प को जितना हो मैक्सिमम आप इसे टाइट कर दीजिए। मेरा हैंडपम्प चाहे टाइट हो गया है, पाइप रेंच के सहारे पकड़ लिए नीचे वाले पाइप को। अब हैंडपम्प को अच्छे तरीके से टाइट कर दिए। बस जो मेरा हैंडपम्प है वो बिल्कुल पूरा तरीके से सेटिंग हो गया। अब इस जो जॉइंट में देख रहे हैं आप, जो ट्यूबवेल का हैंडपम्प का जो आप जॉइंट से अगर निपल लगाए हैं, इसमें हम एम सील या डेंसिल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एम सील को अच्छे तरीके से हाथ में रगड़ते हुए इसको इस जो जॉइंट पे है यहाँ पे पूरा एम सील लगा दिए। एम सील से सब जाम कर दीजिए ताकि लीकेज होने का प्रॉब्लम ना रहे। और एम सील के ऊपर जो आपका स्लॉटिप है, स्लॉटिप के जरिए आप एम सील के ऊपर स्लॉटिप मार दीजिए। इस तरीके से एम सील लगाने के बाद उसके ऊपर ब्लैक टिप को मार दीजिए। देखिए इस तरीके से हमने ब्लैक टिप मार दिया है, हैंडपम्प पूरी तरीके से सेटिंग हो चुका है। देखिए मोटर का लाइन भी उसके पीछे साइड से एल होके निकल गया है। सामने बीच पे एक गेट बल्ब लगा दिए हैं। मोटर का कनेक्शन देखिए किया जा रहा है, मोटर का जो आउटपुट वाटर फेंकेगा उसका जो कनेक्शन वो किया जा रहा है। ये हो गया गेट बल्ब। ये कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं हैंडपम्प में पानी निकालने वाले। ये देखिए हैंडपम्प को हमने पानी निकाल चुके हैं, ये हैंडपम्प पानी दे रहा है। हैंडपम्प में अगर पानी रहता है तो आपका मोटर भी पानी फेंकेगा।